आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर योग और आयुर्वेद का स्वास्थ्य शिविर ग्राम जमुआ पोस्ट डुमोलिया सलीमपुर में संपन्न हुआ। शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीमान डॉक्टर आलोक कुमार पांडे ने कहा कि आज पूरे विश्व में स्वास्थ्य सुविधा के मामले में भारत का नाम अग्रणी है। यहाँ पर माइक्रो इंटीरियर से लेकर शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा बहुत ही अच्छी है। हर जगह पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहते हैं और समय समय पर गांव में दूर दराज के क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिससे आम जनमानस को शुल्क चिकित्सा व्यवस्था मिलती है। आरोग्य भारती द्वारा समय समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो काफी सराहनीय कार्य है। और यहाँ पर निरोग कैसे रहे इस पर चिंतन करते हुए योग और आयुर्वेद के विशेषज्ञ अपना सुझाव दे रहे हैं। शिविर को संबोधित करते हुए आरोग्य भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अजीत नारायण मिश्र ने कहा कि आज पूरा विश्व योग आयुर्वेद के प्रति जागरूक हुआ है और लोगों में आयुर्वेद योग के प्रति जागरूकता आई है। लोग तेजी से योगा और आयुर्वेद की तरफ रुख कर रहे हैं। योग प्रशिक्षक वेद प्रकाश दुबे और ममता तिवारी द्वारा निरोग रहने के लिए योग सिखाया गया। इस दौरान करीब महिला और पुरुष मिलकर 250 लोगों का निःशुल्क इलाज व रक्त जाँच कर व नेत्र जाँच कर निःशुल्क दवा वितरित की गयी। कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान स्वामीनाथ तिवारी द्वारा सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर त्रिपुरायक विश्वकर्मा, डॉक्टर के डी अंसारी, सुनील कुमार मिर्जा जावेद, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मरहवा के डॉक्टर योगेंद्र कुमार, आशुतोष कुमार, अनिल कुमार, दंत रोग विशेषज्ञ जितेंद्र मणि त्रिपाठी, अभिनंदन तिवारी, कैप्टन राजीव तिवारी, श्रीमान अनिल तिवारी, संजीव तिवारी, सुनील तिवारी, जितेश तिवारी, रितेश तिवारी, अभिषेक तिवारी, सौरभ तिवारी, गौरव तिवारी आदि उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए सत्येंद्र कुमार राव की खास रिपोर्ट। आज व्यापक रूप से हमारी प्राचीन सभ्यता को फिर से पूरे विश्व वैश्विक स्तर पर ओतप्रोत कर रहा है। जैसा कि हम ऐसा देख रहे हैं कि मानव जीवन में क्षितिजल पावक गगन से मिल रहा है, यानी जिन चीज़ों से हम मनुष्यों का या जीवों का निर्माण हुआ है, हमने उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस थाली में हमने खाया है, उसी में हमने जो है कि छेद किया हुआ है। हमने आकाश, धरती, वायु, जल को हर स्तर से आविष्कार के ऐसा कहकर हमने नुकसान पहुंचाया हुआ है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यदि जिन चीज़ों से हमारा सृजन हुआ है, यदि उनके कारण को शुद्ध करें, इस वातावरण को शुद्ध करें, मानव सभ्यता की अस्तित्व को बचाएं, आज हम अपने कमाई का जो बहुत भारी भरकम हिस्सा जो हम दवाओं में खर्च करते हैं, उसको हम बचाने का कार्य करें, ताकि हमारी जो आर्थिक सुदृढ़ता है, हमारे देश की जो आर्थिक सुदृढ़ता है, वो बरकरार रह सके। यह हमारा देश विकासशील राष्ट्र है। बहुत सारा पैसा सरकार अनुदान के रूप में जो खर्च कर देती है हमारे शरीर के ऊपर, अगर सरकार का पैसा सरकार के पास बचेगा तो निश्चित रूप से वह पैसा हमारे विकास में लगेगा। हमारा स्वस्थ रहना आवश्यक है। हम स्वस्थ रहेंगे तो इससे देश का विकास होगा, समाज का विकास। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।